सो चलिए चलते हैं पाईचार्म में। सो हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं पाईचार्म में, जहाँ पर हमारे पास एक डेटा फ्रेम है एंड नाउ आई वॉन्ट टू सॉर्ट दैट डेटा। सो हमने इस डेटा फ्रेम पे पहले भी काम किया है विच वॉज अबाउट स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पर मार्क्स भी ले लेते हैं स्टूडेंट्स के, मान लो ठीक है। सो आई हैव टेकन सम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन ओवर हियर, तो मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रही हूँ, सो आई टेकन फ्यू वैल्यूज फॉर द मार्क्स। राइट नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो मेरे पास ये डेटा फ्रेम जनरेट होके आ रहा है जिसमें 6 स्टूडेंट्स हैं एंड ऑब्वियसली द ऑर्डर इज इन विच आई हैव गिवन इन द डिक्शनरी। तो मैंने पहले अंकित लिखा था इसलिए पहले अंकित आ रहा है, फिर राहुल, फिर राबिया, फिर सोहन, रोहन, जिया एंड ऑल। नाउ यू कैन सॉर्ट इट, यू कैन सॉर्ट इट, बट हाउ? आप यहाँ पे लिखेंगे df.sort। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, हम वैल्यूज के अकॉर्डिंगली भी सॉर्ट कर सकते हैं, इंडेक्स के अकॉर्डिंगली भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम इंडेक्स को सॉर्ट करके क्या मिलेगा, वो सीरीज में होता है कि हम इंडेक्स वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, बट डेटा फ्रेम में जनरली वी प्रेफर सॉर्टिंग एज पर द वैल्यूज, बट इफ यू वॉन्ट टू सॉर्ट एज पर इंडेक्स यू हैव सॉर्ट इंडेक्स ऑल्सो। अब सॉर्ट वैल्यूज तो आपने यूज कर लिया, चलो ठीक है, बट आप किस कॉलम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करोगे? तो सॉर्ट करना कैसे है ना, सीरीज में तो कॉलम होते ही नहीं, एक ही है, उसी के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर है सॉर्ट वैल्यूज, तो आपको बताना है कि भाई सॉर्ट करेंगे कैसे। तो जैसे ग्रुप बाय में बाय यूज होता है, वैसे ही सॉर्ट वैल्यूज में भी बाय यूज होता है। आपको बताना पड़ेगा कि किस कॉलम के ऊपर आप सॉर्ट करना चाहते हो। सो आप लिखेंगे df.sortValues by name। अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये नाम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके दिखाएगा। सो इसमें आप देखोगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है, इंडेक्स चेंज हो गया ना यहाँ पे, इट इज़ नॉट 0, 1, 2, 3, 4 एनी मोर। नाउ पहले अंकित आ रहा है क्योंकि वो ए से शुरू होता है, फिर जिया आ रहा है क्योंकि ए के बाद जे आता है, फिर आर। अब राबिया एंड राहुल एंड रोहन तीनों आर से शुरू होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो कर रहा है, तो सेकेंड लेटर को चेक करेगा, राबिया और राहुल का सेकेंड लेटर भी सेम है। थर्ड लेटर इज बी एच, तो बी छोटा है एच बड़ा है, इसलिए राबिया पहले आया राहुल बाद में आया, एंड रोहन में तो ओ बड़ा है इसलिए उसने वैसे ही लास्ट में आना था, एंड देन वी हैव सोहन, राइट। सो दिस इज एज पर दी नेम। अगर आपको मार्क्स के अकॉर्डिंगली चाहिए तो आप यहाँ पर मार्क्स लिख सकते हो एंड इसको रन करोगे, सो इट विल बी शोइंग यू एज पर द मार्क्स। तो सबसे पहले सबसे कम मार्क्स वाला आ रहा है, फिर उससे ज़्यादा मार्क्स वाला, फिर उससे ज़्यादा एंड सो ऑन। बट आप तो ये नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखे, सबसे पहले वो दिखे जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, फिर आप देखना चाहते हो जिसके उससे कम हैं एंड सो ऑन। सो इफ़ यू वॉन्ट टू शो इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड असेंडिंग। सो बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ट्रू होता है। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा फ्रेम को दिखाना है तो आपको असेंडिंग को फॉल्स करना पड़ेगा। सो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखने से आपके पास आपका डेटा मार्क्स के अकॉर्डिंगली अरेंज होकर आएगा, लेकिन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। तो जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं वो सबसे पहले शो होगा, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला एंड सो ऑन टिल द लीस्ट मार्क्स यू हैव, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट विल सॉर्ट योर डेटा। सो इट्स वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं है आपको, सॉर्ट वैल्यूज में बस बताना है कि सॉर्ट कैसे करना है। अगर आप असेंडिंग नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, अगर नहीं चाहिए तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ आती है मल्टीपल कॉलम्स पे सॉर्ट करना, जैसे कि हमने ग्रुप बाय में भी दो कॉलम्स दिए थे, वैसे यहाँ पे भी आप दो कॉलम्स दे सकते हो, पर वो दो कॉलम्स का सेंस तब बनता है जब पहला कॉलम जो मैंने दिया है उसके लिए सिमिलर वैल्यूज आ रही हो। अब जैसे ये पहले बच्चे के मार्क्स 90 हैं, इसके भी 90 हैं और इसके भी 90 हैं, अब तीन तीन बच्चों के मार्क्स हैं 90। सो जब मैं इसको रन करती हूँ तो ये दिखा रहा है 90 90 90। अब इसमें आ गया अंकित, राबिया, रोहन, ये किसी भी ऑर्डर में दिखा सकता है, कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि कैसे दिखाएगा। सो मे बी इट इज़ शोइंग एज पर द इंडेक्स, मे बी इट इज़ शोइंग एज पर द नेम, सो वट एवर रीज़न इट कुड बी, कुछ भी हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि भाई अगर मार्क्स सेम है तो एडमिशन नंबर के बेसिस पे सॉर्ट करो सेकेंड लेवल पर, ठीक है। तो पहली सॉर्टिंग हमेशा किस पे होगी, जो पहला कॉलम आपने दिया है। सो पहले आपने लिखा है मार्क्स, सो इट इज़ गोइंग टू सॉर्ट एज पर द मार्क्स। सेकेंड थिंग में मैंने दे दिया एडमिशन नंबर, तो अगर मार्क्स सेम है तो सिर्फ उतनी रोज को जिनके मार्क्स सेम हैं उनको वो एडमिशन नंबर पे सॉर्ट करेगा, सबको नहीं, ठीक है।
तो जैसे 87 जहाँ था वहीं रहेगा, 78 वाले हमारे पास दो हो गए हैं, ठीक है, 90 वाले हमारे पास तीन हो गए। तो अब 90 वालों का अभी ये एडमिशन नंबर आ रहा है, पर मैं इसको जैसे ही दोबारा से रन करती हूँ तो आप देखोगे कि 120, 115, 112, क्योंकि हमने यहाँ असेंडिंग फॉल्स दिया हुआ है तो इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एडमिशन नंबर में दिखा रहा है वो। सो इट्स 120, 115, 112 और यहाँ पे भी 78 सेम है, तो पहले 111 और फिर 110 आ रहा है। 87 तो था ही एक, तो इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जहाँ पे उसकी पोजीशन बनती है वहीं पे वो उसको शो कर रहा है। तो पहले हमेशा सॉर्ट होता है एज पर द फर्स्ट कॉलम, अगर उसकी वैल्यू सेम है तो सिर्फ उतनी रोज जहाँ पर उसकी वैल्यू सेम है वो सॉर्ट की जाती हैं एज पर द सेकेंड कॉलम नेम, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल सॉर्टिंग, ठीक है, जो आप SQL में ऑर्डर बाय से करते हो। सो ऑर्डर बाय में हम क्या लिख देते हैं, ऑर्डर बाय फर्स्ट कॉलम का नाम कॉमा सेकेंड कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं, दैट इज़ हाउ यू डू इट इन SQL, राइट। और अगर आपको डेटा फ्रेम पे करना है तो इस तरीके से हो सकता है। सो दैट इज़ अबाउट सॉर्टिंग द डेटा इन डेटा फ्रेम। सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ इतना याद रखना है फंक्शन का नाम क्या है, मेक श्योर कि कैपिटल लेटर्स नहीं होंगे, इट इज़ सॉर्ट इन स्मॉल लेटर्स अंडरस्कोर वैल्यूज, एंड देन यू हैव टू गिव बाय, लाइक कैसे सॉर्ट करना है और किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, बाय डिफॉल्ट इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर। सो आई होप ये वीडियो से आपको ये कंसेप्ट ज़रूर समझ आया होगा, इन केस समझ आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट में लिखिए कि येस मैम आई हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, सो दैट आई शुड नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड। और अगर नहीं भी समझ आया है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये प्लीज़ बता दीजिए, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट इन अपकमिंग वीडियोस और मे बी व्हेन वी हैव अ लाइव सेशन, राइट। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन, शेयर द चैनल विद योर जूनियर्स, शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स, शेयर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग टू डू BTech, BSc और BCA, जो भी कंप्यूटर साइंस में आगे करियर बनाना चाहता है। So share with them and ask them to subscribe, because here you're going to get a lot regarding computer science, aapke college ki study, aapke school ki study, aapki placement preparation, everything I'll be covering here, and uske liye subscribe zarur kijiye, because that's really important for the growth of channel. So that is it for this video, I'll see you in the next one, till then take care.